को पानी से नाशित नहीं करूंगा। अपनी उस कही हुई बात को परमेश्वर स्मरण कर, बोलो याद कर खुदावन, याद कर खुदा और अपने लोगों को बचा। तो सबसे पहले आज हम जो कुछ भी पंजाब के माहौल बने, आप सब जानते हो बारिश के कारण क्या कुछ हो रहा है पूरे पंजाब में, कितना लोगों का मानी हानि नुकसान हो रहा है। बोलो क्या है, बहुत से घर टूट गए हैं, लोग घर बेघर हो गए हैं, लोग अपना सामान लेकर छतों पर चढ़े हैं। बोलो क्या है, और हिमाचल में तो बहुत सारे लोगों के घर टूट गए, बहुत बुरा हाल हुआ, कुछ लोगों की तो जानें भी चले गई हैं। बोलो क्या है, कुछ लोगों की तो जानें भी चले गई हैं। पर मैं, अगर हम शरीर से सोचें, क्या करें, अगर हम शरीर से सोचें तो ऐसे लगता है कि ये सारा नुकसान कौन कर रहा है, परमेश्वर कर रहा है। परमेश्वर की तो चाहते सब मनुष्य बचाए जाएं और सत्य को जाने, तो वो फिर नुकसान क्यों करेगा, वो तो बचाने वाला खुदा है, जीवन देने वाला खुदा है। पर हम शुरू में भी देखते हैं जब आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया और आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर अपने जीवन में पाप लेकर आए, पाप की शुरुआत हुई, दुनिया बढ़ी, पाप बढ़ा और एक दिन लिखा इतना पाप बढ़ गया कि परमेश्वर मनुष्य को बनाकर पछताया। क्या बनाया, और एक दिन परमेश्वर ने सोचा कि मैं मनुष्यों का क्या कर दूंगा, पूरी पृथ्वी से उन्हें नाशित कर दूं, क्योंकि पाप से क्या है, परमेश्वर को घृणा आती है। तो परमेश्वर से कहा मैं नाशित कर दूंगा, पर लिखा परमेश्वर की नजर नू पर पड़ी, क्योंकि नू लिखा धर्मी और खरा था और किसके साथ चलता था, किसके साथ चलता था, इसलिए परमेश्वर ने उसके मन को देखा कि ये धर्मी है, खरा है, मेरे साथ चलने वाला है, मेरी बात को मानने वाला है, मेरे वचन पर चलने वाला है। तो परमेश्वर ने एक आज्ञा दी कि तू जहाज बना, पूरी पृथ्वी क्या होने वाली है, समझ आ रही है। तो सबसे पहले जब शुरू में हम देखते हैं कि जल परलो से एक समय पूरी दुनिया नाशित हो गई, सब कुछ क्या हो गया, सब कुछ नाशित हो गया। तो हम एक वचन को देखेंगे, क्योंकि आज हम बैठ जाओ, कोई बात नहीं, बैठ जाओ आराम से। तो हम उत्पत्ति में जाएंगे, उसका 9 अध्याय निकालो, नौ की हम 8 से लेकर 16 तक पढ़ेंगे, नोट कर लो जी। जल परलो के बाद की बात है यहां पे लिखी, हम 8 से पढ़ते हैं। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, सुनो मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूं, और सब जीवित प्राणियों से भी तुम्हारे संग हैं, क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या पृथ्वी के सब बनेले पशु, पृथ्वी के जितने जीव जंतु जहाज से निकले हैं, और मैं तुम्हारे साथ अपनी ये वाचा बांधता हूँ कि सब प्राणी फिर जल परलो से नष्ट ना होंगे, और पृथ्वी का नाश करने के लिए मैं फिर जल परलो ना होगा। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने प्राणी तुम्हारे संग है उन सबके साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ कि उसका ये चिन्ह होगा, मैंने बादल में अपना धनुष रखा है और वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा, और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊंगा तब बादल में धनुष देगा दिखाई देगा, तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवधारी प्राणियों के साथ बंधी है उसे मैं स्मरण करूंगा, तब ऐसा जल परल फिर ना होगा जिससे सब प्राणी विनाश हो,
बादल में जो धनुष होगा मैं उसे देख के ये सदा की वाचा स्मरण करूंगा जो परमेश्वर पृथ्वी पर के सब जीव जीवत शरीरधारी प्राणियों के बीच बंदी है। फिर परमेश्वर ने उसे कहा, जो वाचा मैंने पृथ्वी भर के सब प्राणियों के साथ बांधी है उनका चिन्ह यही होगा। आमीन। सुनो, तो यहाँ पे एक प्रूफ है। जब परमेश्वर जल परलो आई और परमेश्वर ने जब एक समय पूरी दुनिया पानी से क्या हो गई थी, नाशित हो गई थी, समझा नहीं। तो यहाँ पे जब परमेश्वर ने नूह को जहाज बनाने के लिए कहा, दो दो बोलो क्या है, ऐसे नर और मादा जीव जंतु पशु पंक्षी सब ऐसे जीव जंतुओं को भी कहा उन्हें क्या रखना, तुम अपने जहाज में रखना। तो परमेश्वर ने ऐसे उसे ऐसे यहाँ पे ऐसे कहा कि मैं जो कुछ भी मैंने किया है, मैं जब भी मैं आकाश में बादल फैलाऊंगा तो जब धनुष धनुष समझते ना, जो जैसे हम सतरंगी पींग बोलते थे पहले पहले, आजकल तो बहुत कम नजर आती है ना, कि जब भी पृथ्वी पर ज्यादा बारिश होगी तो जब तुम मैं बादलों को फैलाऊंगा तो तुम धनुष को दिखाई देगा तुम्हें, सतरंगी को, जैसे हम सतरंगी पींग बोलते हैं। और वो यहाँ पे हजारों साल की बात जो आज भी पूरी पृथ्वी में ये बात प्रचलित है और लोग जानते हैं इस बात का प्रतीत जानते हैं, इस बात के चिन्ह को जानते हैं कि जब वो धनुष दिखाई देता है, वो सतरंगी दिखाई देती तो लोग कहते हैं कि अब बारिश नहीं होगी, क्योंकि हजारों साल पहले की लिखी बात यहाँ पे परमेश्वर ने अपने पवित्र वचन में हमें लिख कर दी है। क्या दी है? और मैं जब से ये माहौल पंजाब का हिमाचल में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है ना, बोलो क्या हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है, तो मैं लगातार मैं भी प्रार्थना कर रहा था इस विषय के लिए, क्या कर रहा था, और साथ में ही मैं जो जहाँ पे लिखी बात है मैं उसे भी याद कर रहा था, क्या कर रहा था, मैं उसे भी याद कर रहा था कि परमेश्वर तूने ऐसा लिख कर दिया, अगर लिख कर दिया तो ऐसा नहीं होगा। पर होता क्या है कि जब जब पाप की बढ़ोतरी होगी तो ऐसे कुछ ऐसे परिस्थितियां आएंगी, बोलो क्या आएंगी, ऐसे परिस्थितियां कुछ आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी। इसीलिए खुदा की चाहत है कि सारे जगत के लोग बचाए जाएं, सत्य को जान ले, ताकि पाप के कारण किसको मौका ना मिले, समझ आ रही है। इसलिए अगर परमेश्वर ने इस बात को नूह के साथ वाचा के साथ एक चिन्ह बांधा था कि मैं आगे से इस पृथ्वी के लोगों को पानी से कभी भी नाशित नहीं करूंगा, क्या नहीं करूंगा, तो मेरे तेरे बीच एक वाचा है कि जब भी मैं बादल फैलाऊंगा आकाश में तो ये धनुष दिखाई देगा और ये मेरी वाचा होगी तेरे से कि मैं कभी भी मैं उस बात को स्मरण करूंगा, याद करूंगा कि मैं दुनिया को पानी से नाशित नहीं करूंगा। और जब हम परमेश्वर की लिखी हुई बात को खुदा के आगे रखते हैं, उसे स्मरण दिलाते हैं, जैसे हिजकिया ने जब वो यशायाह नबी के द्वारा उसके पास वचन आया तो उसने कहा तू निश्चय मर जाएगा, तू रोगी हो जाएगा और तू मर, तो लिखा हिजकिया एक दीवार के साथ अपना माथा लगाकर परमेश्वर को याद करने लगा और कहने लगा, याद कर परमेश्वर मैं तेरे सन्मुख किस रीति से चलता आया हूं, याद कर। लिखा जब परमेश्वर ने उसके रिकॉर्ड को देखा, हिजकिया के रिकॉर्ड को देखा क्योंकि वो मरने वाला था, उसने कहा याद कर परमेश्वर मैं तेरे सन्मुख किस रीति से चलता आया हूं। लिखा जब परमेश्वर ने उसके रिकॉर्ड को देखा तो लिखा उसके रिकॉर्ड में कुछ भी ऐसा बुरा नहीं था जो उसने हिजकिया ने ऐसा कुछ परमेश्वर के साथ जो समा बताया कुछ गलत किया हो। तो परमेश्वर ने जब याद किया तो लिखा हिजकिया के 15 साल और बढ़ गए, वो मरने वाला था। सुनो ये बात मैं क्यों कह रहा हूं आपको, क्योंकि जब हम परमेश्वर के लिखित वचन को लिखित बात को परमेश्वर के सामने रखते हैं आगे लेकर जाते हैं तो निश्चय
परमेश्वर उस बात को पूरा करने वाला है। और खुदा ने मुझे, कल मैं भी सोच रहा था कल शाम को वीडियो बनाने के लिए, पर मैंने बनाई नहीं और मैंने कहा कि आज मैं इधर ही आकर इस बात को लाइव ही लोगों के साथ बात करूंगा और हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर तूने तो यहाँ पे अपनी वाचा का अपने दास नूह के साथ ये चिन्ह बांधा था, तो ये सब कुछ क्या करेगा। और मेरा विश्वास है खुदावंद इस बात को स्वर्ग में स्मरण करेगा, याद करेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा किसी भी काम को लेकर इस पृथ्वी पर दो जन जो पृथ्वी पर बांधेंगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो पृथ्वी पर खोलेंगे वो स्वर्ग में खुलेगा। आज कितने विश्वास करते हैं कि हमारी प्रार्थना से जो कुछ भी पंजाब का माहौल और ये सारा, बोलो क्या हो गया है, हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि पानी की हद चंडीगढ़ जलंधर के कई गांवों में पानी पहुंच चुका है। जलंधर के, ये जलंधर यहां से कितनी दूर है, जलंधर के कई गांवों में पानी पहुंच गया, लोग छतों पर हैं, बुरे हाल हैं, फसलें नाशित हो गई हैं, कोई कारोबार नहीं, कुछ नहीं, समझ आ रही है। बहुत से इलाकों में पूरे पंजाब के, हिमाचल का तो बहुत ज्यादा मतलब हाल खराब हो रहा है, पर मेरा विश्वास है कि आज हम इस लिखित बात को जो खुदा ने इस पवित्र वचन में लिखकर दी थी, नूह के साथ वाचा बांधी थी, हम प्रार्थना करेंगे, सब अपने घुटनों के बल आकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि खुदावंद अगर तूने ये बात की वाचा अपने दास नूह के साथ बांधी, तू मुझे आज स्मरण कर, याद कर, तो मेरा विश्वास है हमारी प्रार्थना से खुदा उत्तर देगा। और जो बारिश अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही, रुकेगी, खुदावंद अपने लोगों को संभालेगा। जो उसकी चाहत है कि मैं बचाना चाहता हूं लोगों को, तो वो खुदावंद करेगा। अपने हाथों को उठाओ स्वर्ग की ओर, उस स्वर्ग के परमेश्वर की ओर, यस, अपने हाथों को हिलाते, याद करो इस वाचा, कहो परमेश्वर कि तूने अपने दास नूह के साथ, जो तेरे साथ खरा और धर्मी था, जिसको तूने चुनकर इस पृथ्वी के वंश को बचाया है, और आज हम उसी वंश की आगे आगे खुदा तेरी संतान है, जो वाचा का चिन्ह तूने अपने दास नूह के साथ बांधा था, खुदा उसे याद कर, बोलो परमेश्वर से याद कर, याद कर परमेश्वर, तूने कहा था कि मैं आगे से, मैं दुनिया को पानी से नाशित नहीं करूंगा, मैं दुनिया को पानी से नाशित नहीं करूंगा, अपनी उस कही हुई बात को परमेश्वर स्मरण कर, बोलो याद कर खुदावंद, याद कर खुदा और अपने लोगों को बचा। तेरे वचन में लिखा परमेश्वर, सृष्टि की कोई वस्तु तुझसे छिपी नहीं जो तू जानता नहीं, खुदावंद सृष्टि की कोई वस्तु छिपी नहीं है जो तू जानता नहीं है परमेश्वर, जो कुछ भी अभी हो रहा है पिता, सब कुछ तेरे सामने है, उसमें खुदा तेरे धर्मी लोग भी हैं और धर्मी हैं, पर दुधर्मी और अधर्मी को भी बचाना चाहता है पिता, यस खुदा, तेरे वचन में लिखा धर्मी के कारण बचाए जाएंगे, यस खुदा, मैं श्वास करता हूं खुदावन, मैं श्वास करता हूं खुदावन, कि अपने लिखित वचन को याद कर, याद कर मेरी यहोवा पिता, हमारे देश की सरकारों को, हमारी फौज को, जितने भी इस काम में लगे हुए हैं खुदावन, लोगों को बचाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए खुदा, तेरा आत्मा उनकी अगुवाई करे, उनकी मदद करे, सहायता करे मेरे खुदावन, हमारे देश की सरकारों को भी खुदा अपनी आत्मा से चला, जितने भी खुदा जितने भी हमारी मिलिट्री है, फौज है खुदा मेरे खुदा, इस काम में लगे हुए खुदा, जो पुल टूट रहे हैं, जो पुल टूट रहे हैं, जहां जो भी नुकसान हो रहा परमेश्वर, अपनी कृपा दृष्टि उन पर बना खुदावन, अपनी बात को याद कर, याद कर मेरे खुदा, याद कर, मैं प्रार्थना करता हूं खुदा कि तू लिखित वचन को
खुदा उस वचन को याद कर, खुदा याद कर, और जो कुछ भी हो रहा है मेरे पिता, अब तेरी शांति और अनुग्रह का हाथ उस पर थम जाए, तेरी दया का हाथ थम जाए खुदा, तेरी दया का हाथ थम जाए खुदा। तू वो परमेश्वर है जो तूफानों को बोलता और वो थम जाते खुदा। तू महासागर को भी समुंदर को भी परमेश्वर लिखा तेरे वचन में खुड़ के तो वो भी शांत होता है खुदा। तेरे कहने से सब कुछ होता है, तेरे कहने से मेरे पिता सब कुछ होता है। हम मांगते खुदावन, तूने कहा पृथ्वी पर जो छन पृथ्वी पर बैठकर जो मांगेंगे, जो वो पृथ्वी पर बांधेंगे वो स्वर्ग में बांधेगा खुदा। ये तेरे नाम से जो बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही खुदा, ये हम बांध देते प्रभु तेरे नाम से, इस बारिश को खुदावन बांध देते स्वर्ग। यस खुदावन, हम बांध देते प्रभु, हम बांध देते खुदावन, क्योंकि तेरा वचन कहता है। और मैं विश्वास करता हूं खुदावन, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर, तो अपने लोगों को सुरक्षित जगह पर लेकर जा चुका, बचा चुका है खुदा, जो तेरी चाहत है पिता खुदावन। क्योंकि ये सारे पृथ्वी के लोग पिता तेरे हैं, तेरे हैं परमेश्वर, तेरे हैं प्रभु। चाहे तुझे जानते हैं चाहे नहीं जानते हैं, हम जानते हैं ये पिता, सब जातियां जितने भी धर्मों के लोग हैं पिता, ये सब तेरे हैं। और तू नीचे पिता, मेरी प्रार्थना है खुदा, जो तेरी चाहत है बचाने की खुदा, उन लोगों को तू बचा चुका है, बचा चुका खुदा, उन्हें सुरक्षित जगह पर लेकर आप अपनी आत्मा की गवाही से लेकर जा चुके पिता। यस खुदा, मैं विश्वास करता हूँ पिता ऐसा हो चुका है खुदा, ऐसा हो चुका है तेरे उस वचन से जो खुदा तूने अपने दास नूह के साथ एक वाचा का चिन्ह बांधा है। मैं श्वास करता हूं खुदावन, ऐसा तेरे जीवित नाम से हो चुका है। आमेन, आमेन, हालेलुया। और मैं श्वास करता हूं कि आपने और जो मैंने जो खुदा से मांगा है आज नीचे, खुदावन हमारी प्रार्थना को सुन चुका है। कितने श्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर सुनने वाला है, सुनने वाला है कि नहीं। लिखा एलिजा हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। क्या था? एलिजा हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, पर लिखा जब उसने गिड़गड़ाकर परमेश्वर से प्रार्थना की कि मी ना बरसे, क्या ना बरसे, मी ना बरसे, मी ना बरसे, तो लिखा 3.5 साल क्या हो गया, आकाश बंद हो गया, एक बूंद भी इस पृथ्वी पर पड़ी नहीं, एक बूंद भी, एक बूंद का बारिश की एक बूंद भी नहीं दी। किसके कहने से? क्योंकि खुदावन अपने लोगों की सुनता है। लिखा धर्मी दुहाई देते हैं और परमेश्वर सुनता है। अगर उसने एलिजा की प्रार्थना को सुना जिसने गड़गड़ाकर की, तो 3.5 साल लिखा आकाश बंद हो गया, मी नहीं बरसा, तो क्या जो आज हमने प्रार्थना की है खुदावन के वचन के साथ, क्या परमेश्वर ऐसा करेगा कि नहीं करेगा? मैं विश्वास करता हूं वो ऐसा कर चुका है। मैंने कहा वो ऐसा कर चुका है। तुम जल्दी गुड न्यूज सुनोगे, न्यूज चैनल पर, मोबाइल पर अपने सुनोगे, जल्द सुनोगे कि सब कुछ माहौल शांत हो रहा है। हर दिन तुम्हें गुड न्यूज आएगी। अभी लोग सुनने में ऐसा लग रहा है कि जलंधर तक पानी आ गया है, कहीं ऐसा ना हो जाए यहां भी आ जाए, हाय क्या होगा, हाय क्या होगा। नेगेटिव कभी भी मत सोचना। बोलो क्या? नेगेटिव, नेगेटिव कभी भी मत सोचना, क्योंकि खुदावन का वचन हमें कहता है। बोलो क्या? नदियां तुम्हें, आग तुम्हें, क्योंकि जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव सोचने से और क्या आती है,
क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है नेगेटिविटी के कारण हो रहा है, क्योंकि लोग हा 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 कर रहे हैं, हो हाय हाय से क्या हो रहा है ना खुद, क्योंकि लोग लिखित वचन को जानते नहीं है। बोलो क्या है, लोग लिखित वचन को जानते नहीं है कि खुदा ने लिखित वचन में क्या लिख कर दिया, उन्हें नहीं पता, तो इसलिए वो हाय हाय कर रही है, हाय ऐसा हो गया, हाय ऐसा हो गया। पर जो खुदावंद के लोग हैं, जो सत्य को समझ चुके हैं, वो कभी भी हाय नहीं बोलते, वो सांस रखते कुछ नहीं होगा, खुदा हमारे साथ है। जो कहता डरो नहीं, क्या बोलो, डरो नहीं मैं तुम्हारे साथ हूं, बोलो क्या, डरो नहीं मैं तुम्हारे साथ हूं। और मेरा विश्वास है कि जो हमने आज उस वचन से प्रार्थना की है, तुम हर दिन जल्द गुड न्यूज सुनने पाओगे। आमीन, ये होगा, ये होगा। धन्यवाद की प्रार्थना देते रहना, सब सब कुछ परमेश्वर शांत कर चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। एक बार उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए जो राज्यों का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, महान परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर, जुगा न जुग एक सा परमेश्वर, कभी न बदलने वाला परमेश्वर, उसके लिए जोर से तारीफ कर, जोर से तारीफ कर दो, जोर से। आमीन।